महाकवि कालिदास हो, तेनाली रामकृष्ण हो, इन सभी ने एकांत में माता का ये रामकृष्ण परमहंस हो, इन सभी ने भी इन साधना को एकांत में साधनाएं समर्पित की थी, जब फिर पूर्ण रूप से हार चुके थे। और इस साधना को स्वयं महारुद्र ने इस साधना को समर्पित की थी। इस साधना को माता को सिद्ध करने के लिए माता ने क्या किया था कि आपको आदि साधना के कारण बताता हूं। इस साधना को आज जो खाटू श्याम जी कहलाए जाते हैं, जो जिन्हों गर्भित कर रहे हैं, जो भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र कहलाए जाते हैं, हिडिंबा के पुत्र कहलाए जाते हैं और भीमसेन के पुत्र कहलाए जाते हैं, उन्होंने ये साधना संपन्न की। कृष्ण के सामने जब गए तो उन्होंने एक बात नहीं कह दिया था, भगवान श्री कृष्ण आप क्या आज्ञा दो, तीन बाणों में महाभारत युद्ध खत्म कर दूंगा। अच्छा फिर मैंने कहा तीन बाणों में युद्ध कर दूंगा, तो ये कौन सी शक्ति थी? जब भी कृष्ण के सामने इतने योद्धाएं ये बात किसी ने नहीं की, न भीष्म ने की, न द्रोण ने की, न अश्वत्थामा ने, न कृष्ण, न कर्ण ने, न ये सभी लोग दुर्योधन ने, किसी ने भी बात नहीं की हम तीन बाणों में युद्ध खत्म करेंगे, न इधर अर्जुन ने की। लेकिन वो यही व्यक्तित्व था खाटू श्याम जी महाराज, जो बकरी थे भीमसेन पांडव के मध्य भीमसेन जी के पौत्र कहलाए जाते हैं, उन्होंने ये भी किसी आईएएस के सामने नहीं कहा, भगवान श्री कृष्ण के सामने कहा कि मैं तीन बाणों में महाभारत का युद्ध खत्म करता हूँ। श्री कृष्ण अचंभे में रह गए, तेरे पास एक सोच की भी शक्ति है जो तीन बाणों में युद्ध खत्म करना चाहता है। वही श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान कहलाए जाते हैं, कृष्ण के अचंभे में रह गए। उसने कहा तुम यह साधना किस तरह कौन सी साधना से यह तुम इस साधना को सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो कृष्ण को गर्भवती ने कहा आप जरूर मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा मैं यहाँ जिस वृक्ष के सामने खड़ा हूँ उस वृक्ष में मैं चाहता हूँ कि केवल जो पत्ते इस पेड़ पे पके हुए हैं उन पे उस पके हुए पत्तों को छेद मार दो, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारे तुम्हारी इच्छा पूर्ण है। तो उन्होंने कहा तो आपके आगे से श्री राम को पर, और उन्होंने परवृत ने कृष्ण के सामने पहला बाण छोड़ा कि इस झाड़ पर जितने भी हरे पत्ते हैं वो सब झड़ जाए। पहले बाण को दान करता तो हरे पत्ते पूरे झड़ गए, केवल पेड़ पर रहे पके हुए पत्ते ही रहे। जिसको कुछ ने कहा था कि पके हुए पत्तों को छेद करना, केवल पके हुए पत्ते, दूसरा बाण छोड़ा और उसने कहा इस पेड़ पर जितने पके हुए पत्ते हैं उसको मैं छोड़ रहा हूँ, उसको छेद कर दो। अब दूसरा बार जैसा ही छोड़ा वो पके हुए पत्तों को छेद करने के लिए चले गया। छेद कर तो देखिए क्या है कि श्री कृष्ण ने बलर की परीक्षा लेने के लिए अपने पाँव के नीचे पका हुआ पत्ता छुपा दिया कि एक पत्ता तो रह गया ऐसा कहने के लिए। तो जो बलर ने बाढ़ छोड़ा था वो बाढ़ छोड़ते हुए आया और कृष्ण के पांव के पीछे घूमता रहा। तो भगवान को कृष्ण ने पूछा कि बाढ़ क्यों घूम रहा है? तो प्रभु आप क्षमा करें, आपने आपके पांव के पीछे पत्ता छुपा के रखा, उस पत्ते को छेद करना चाहता है। अगर आप और दो मिनट नहीं छेद करते हैं तो आपके पांव को पीछे मेरे पांव को छेद करेगा, आप देखो। भगवान ने कहा तो कृष्ण ने उस सिद्धि को जो भगवान के पास है उस सिद्धि को उस देवता का आह्वान किया और वो कोई नहीं थी वही ये वक्षस्थल खाली थी और वो सामने आकर खड़ गई कि मैं पाना खा रहे हूँ। फिर कृष्ण और दो मिनट तुम नहीं यहाँ से उठाते, माँ तुम्हारी गौरव तुम्हारे सम्मान में मैं मेरा पाँव हटा देता हूँ और पाँव हटाए और उस पत्ते को छेद हुआ। उस पत्ते को छेद जैसा ही हुआ उन्होंने देखा कि माँ मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ, आप मेरे प्रत्यक्ष हो और गर्भी जैसे व्यक्ति को इस तरह का इस तरह की तुमने विद्या दी थी जिसे लक्षण की भी विद्या कहा गया। अरे मैं अपने लक्ष्य को पहले ही निर्णय करना और उसको मार देना, तो लक्ष्य की नहीं विद्या की थी ना, दर्शन को शब्द मार शब्द की भी मांग कर रहा, जहाँ शब्द हो वो शब्द को मार कर रहा उसी शब्द की भी मांग कहा गया। और ये लक्षण की नहीं विद्या केवल परवरिक को वह आख्या में वक्षस्थल खाली से सिद्ध हुई थी। वो यही बात कहता था कि मैंने जैसे आपके आगे सामने बताया कि उस चीज को दिया समान के रूप में महाकाली को वशिष्ठ गढ़ को कृष्ण नमस्कार करते कहते हैं कि माँ
मैं आपका सम्मान करता हूँ, उस बर्गर के बाढ़ को भी खाए। आज मेरे पास ग्राम में बाढ़ ढूंढता रहा और जो बाढ़ मेरे पाँव के पास आके रह गया, मेरे पाँव की शक्ति को लेकर जीत कर दिया, मेरे पाँव कमजोर हो गया है। और कहता हूँ कि मेरे पूरे शरीर में आज दौड़ भीष्म सब लोगों के पार चला है, लेकिन किसी को मारने की शक्ति नहीं हुई, लेकिन एक बार जिसने मेरे पाँव को उंगली को लगा दिया, मेरे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे उस शक्ति ने मेरे ऊपर काम किया। तो बोलो कि वो वक्षस्थलधारी कितनी श्रेष्ठ थी और उसने अपना काम करके बुलाया। उस वक्षस्थलधारी की साधना करने वाले करण पूजनीय कृष्ण ने भी उनको कहा कि यह साधना कहाँ, इस साधना के पीछे का रहस्य क्या, इस साधना को कौन करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा लक्ष्य क्या रहा है कि मुझे आज फलाने के जल से ये चाहिए कि मेरा शत्रु पता चाहिए, उसके शत्रु के लक्षण है तो बाण जाएगा वहीं लगेगा उसको खत्म करके आए, उसे लक्ष्य भी की साधना का है। वैसे सत्यवी की साधना है, वैसे ही हमारे संसार के इस विद्या को बहुत कमजोर जानते हैं, और यह विद्या केवल कामाख्या में ही मानी जाती है, कामाख्या में की जाती है। आज हम जिस महाकाली माता के पास ये साधना के लिए आकर बैठे हैं, मैं जिस दिन ये साधना शिविर को दे रहा था पहले तो अचंभे में पड़ा, क्योंकि किसी को इस माता काली के बारे में वक्षस्थल काली के बारे में आज पता नहीं है, और वक्षस्थल काली के बारे में जिसको पता है वो कम है। ये काली का काली माता का स्थल, और मैं बहुत पुराने जमाने से महाकाली के पास आता हूँ, और यहाँ भी महाकाली अपने गुफा में अंदर की तरफ सोई हुई है। वो एक सिद्धता है जो गुरुद्वारा के बुद्धिया के भगवान लोग थे उनमें से किसी इस साधना को संपन्न की थी, उसका जो हम बाद में न्याय के बारे में बताएंगे, लेकिन वो गुफा जिसमें इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, ऐसे गुफाओं में ये साधना विशिष्ट साधना मैं आज आपको प्रदान करने की इच्छा इसके लिए किया कि महाकाली का क्षेत्र स्थान है और आप इसका इस विद्या को इस साधना को करना चाहिए। इस साधना को किसने कैसे किया मैं आगे समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको फिर एक बार इस पितृपक्ष में आपको गुरु मंत्र लेकर पहले सिद्ध करना चाहता हूँ। आप सब लोग गुरु मंत्र दूंगा, सभी लोग कम से कम तीन माला गुरु मंत्र जप करो, उसके बाद इस तीन बड़ा वाली विद्या और इस विशिष्ट रूप से सरकार की विद्या मैं आपको प्रदान करता हूँ। पहले मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान करो, बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ धोने का रखो राइट हैंड साइड पे रखो, मैं ये सब दे रहा हूं। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रूप प्रतिरम चैतन्य जात्रे ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आप तीन माला जब इससे करेंगे कि गुरु जी हम सिद्ध हो, दशमंग विद्या में सिद्ध हो, इसकी वक्षस्थल काली हमें माँ के रूप में सिद्ध हो, और आपको मंत्र भेंट दिए हो, जब तक शिष्य ने दूसरा इस साधना को देना नहीं है ऐसा कामयाब, इसलिए आप तीन माला मंत्र करते हुए गुरु से प्रार्थना करें कि हमारे लक्ष्य को हम साध सके, इसलिए इस विशिष्ट वक्षस्थल काली अविशिष्ट की साधना को हमें करने का करने की आज्ञा प्रदान करो प्रभु। ऐसा कहते हुए आप तीन माला मंत्र करो, इसके बाद मैं आपको साधना सफल करूंगा। तीन माला दो मंत्र आपको करना ही है, उसके बाद और इसमें प्रार्थना करना है कि हमें उस
विशिष्ट कार्य को प्रत्यक्ष करने की विशेष कार्य के मंत्र को हमें प्रणाम करो, ऐसे ग्रंथा करके तीन बार बोलो मंत्र को, उसके बाद कार्य का कार्य बता दो। वर्त रमी सदुदे भगवान की, वर्त रमी माता रे की, गुरु देव की, स्व सुभाषा की, स्व सुभाषा सारे परिवार की, बोलो हर हर महादेव।